हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान बी सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक के बारे में, कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं कि कम टाइम मिलने की वजह से अब एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है तो प्रिपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन था कि हम कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएँ, जिससे ये हो कि आप उन्हें पढ़ें तो बैक लगने का कोई तो चांस ही ना हो और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। शायद जहाँ आपको 30 करना था वहाँ पर आपका 40-42 नंबर हो। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम आपकी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम और यूपी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल को प्रोवाइड करेंगे। बढ़ते हैं आगे और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। अरे रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, अरे रिश्ते जताने लोग मेरे घर भी आएंगे, इस पेड़ पर फल आए हैं तो पत्थर भी आएंगे, इस पेड़ पर फल आए हैं तो पत्थर भी आए हैं। अरे जब चल पड़े हो सफ़र को तो हौसला रखो जनाब, जब चल पड़े हो सफ़र को तो हौसला रखो जनाब, कहीं पे सहरा तो कहीं पे समंदर भी आएंगे, कहीं पे सहरा तो कहीं पे समंदर भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के पहले चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, ये दूसरा चैप्टर है जो फर्स्ट चैप्टर दिया हुआ है, उसमें इंट्रोडक्शन टाइप से बेसिक दिया हुआ है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, जो आपके नॉलेज के लिए है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या है, तो उसको आपको ध्यान देना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया वीडियो की शुरुआत में। और आगे बात करते हैं इस चैप्टर से, तो बलों के नियम के चैप्टर से पहले तो सिस्टम ऑफ फोर्स को आपको बिल्कुल तरीके से पढ़ लेना है। संगामी बल, असंगामी बल, कौन कौन से, सम्यक बल, साम्यावस्था, क्या क्या होता है, जो भी होगा आपको डिटेल में इसको पढ़ लेना है। सिस्टम ऑफ फोर्सेज यानी फोर्स से रिलेटेड जो भी होगा आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके आगे है बलों के त्रिभुज का नियम और बलों के त्रिभुज नियम का विलोम, इन दोनों को आपको पढ़ लेना है। और बलों के त्रिभुज और चतुर्भुज का नियम यानी त्रिभुज और चतुर्भुज का नियम आपको पढ़ लेना है। और लामी के प्रमेय को अच्छी तरीके से डेरिवेशन के साथ, और बलों के बहुभुज का नियम और चतुर्भुज का नियम, तीनों को विद डेरिवेशन आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और हो सके तो लॉमी के न्यूमेरिकल्स को भी आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले चैप्टर के, वो है मोमेंट यानी घोड़। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि मोमेंट क्या है, और यहाँ की जो एक सबसे फेमस प्रमेय है वो है बैरेग्नॉन थ्योरम। तो बैरेग्नॉन थ्योरम आपको यहाँ से पूछा जाएगा। लीवर की डिफिनीशन पूछी जा सकती है डेप्थ में, बैल कैंक लीवर और बैल कैंक उत्तोलक के बारे में आपको पूछा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, घोड़ों का सिद्धांत पूछा जाता है, और एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछा जाता है रिएक्शन फोर्स ज्ञात करने के लिए। तो आपको उसको तैयार कर लेना है, ये 100% है कि न्यूमेरिकल आपको इससे रिलेटेड पूछा ही पूछा जाएगा, बीम वाले से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, कि जिसमें बीम दिया होता है और रिएक्शन फोर्स हमको फाइंड करना होता है। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है घर्षण। तो घर्षण जो चैप्टर है, इसमें आपको घर्षण बल से संबंधित, घर्षण बल क्या है, घर्षण बल में इसके लाभ क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं, तो इन सब के बारे में आपको दिमाग में बैठा लेना है। सीमांत घर्षण बल, गतिज घर्षण बल, घर्षण कोण, घर्षण गुणांक, एंगल ऑफ रिपोजिशन और विश्राम कोण, वही जिसे हम एंगल ऑफ रिपोजिशन कहते हैं, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक गतिज घर्षण और घर्षण के बारे में, इन सब के टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। घर्षण के नियम, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन और घर्षण शंकु, इन सब को पढ़ लेना है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। काफ़ी ईजी होता है, कभी कभी क्या हमेशा एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करें, वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। यहाँ से आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में पूछा जाएगा, परिकेंद्र के बारे में पूछा जाएगा, बेलन,
अर्धगोला तथा लंब वृत्ताकार शंकु जैसे टॉपिक के बारे में इनकी सीजी के बारे में पूछा जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्थिति बताओ सूत्र के साथ। किसी एक समान क्षण का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे। किसी अनियमित आकार का सेंट्रॉइड आप किस प्रकार ज्ञात करेंगे। आघूर्णविद से किसी समतल का परिकेंद्र ज्ञात करें। आघूर्णविद द्वारा पिंड का गुरुत्व केंद्र, तो यहाँ पर आपको गुरुत्व केंद्र के बारे में पूछा जाएगा 100%। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। किसी अर्धवृत्ताकार पतले रिंग का गुरुत्व केंद्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे दिया भी हुआ है कि त्रिभुजाकार समतल, ठोस लंब वृत्तीय शंकु, खोखला लंब वृत्ताकार शंकु, अर्धगोला और ठोस बेलन के बारे में आपको, इसके समतल सतहों के बारे में कि जो समतल सतह, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अब इसके बाद बचता है हमारा एक चैप्टर, वो है मशीन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मशीन के बारे में। तो जो दोस्तों मशीन है, इसका हमने कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ ऐड नहीं किया है। वो क्यों? तो दोस्तों बात ऐसी है कि मशीन जो चैप्टर है वो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके मैकेनिक्स का। तो उसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोई हमें लगता है आवश्यकता नहीं है। आप जितना ही उस चैप्टर को पढ़ेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा और आपको वहाँ से ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। तो मैकेनिक्स का जो लास्ट चैप्टर होगा मशीन, उसे आप बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर लें। मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहेगा कि उसका आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना ढूंढें, वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।